एक तरफ तो शासन वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को वन भूमि अधिकार देने की अधिकार पत्र दे रही है, वही दूसरी ओर सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक के लोगों को संजय टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। समस्या यह है कि यहाँ से शासन भगाई देती, अब ये कहते यहाँ से चले जा। ये गांव कब से बसा हुआ है? ये गांव बसा हुआ है 50 साल से। सरकार की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है? सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि व्यवस्थापन 10 लाख रुपया लाई के व्यवस्थापन के और दे रहा है। वर्तमान में रोजी रोटी का क्या साधन है? साधन हो यही है, खेती किसानी थोड़ बहुत कई लेते हैं, बनी मजदूरी, जानवर से नहीं बचे। वन अधिकार अधिनियम जहां 2005 के पहले के वन भूमि पर काबिज लोगों को अधिकार पत्र देने की बात कर रहा है, वही संजय रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक को 7 गांव को विस्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। 7 गांव के 15,000 लोगों को डर सका रहा है कि इतने कम मुआवजे में क्या अपने लिए सुरक्षित घर और रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगे। और हम लोग इसलिए चिंतित में पड़े हैं क्योंकि ये जंगल से निस्तार करते चले आ रहे थे, जैसे तेंदू चार, चिरौंजी, महुआ, तेंदू पत्ता, जड़ी बूटी और अपने माल मवेशी को चराने के लिए भरपूर निस्तार। अच्छा, आपके पास जमीन का कितना पट्टा है? हमारी जमीन का पट्टा 5 एकड़ है। आपके पास क्या उसका प्रमाण है? उसकी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि कागज पाथर पट्टा पर्ची है। सरकार जो मुआवजा राशि दे रही है उसे आप क्या सहमत हैं? सहमत तो नहीं है, पर विवास हो के होते हैं सहमत। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यह चाहते हैं कि हमारा रोजी रोटी का साधन सुविधा दे दे, जगह जमीन दे दे, हमका हम पिता पंचे जगह जमीन ले ले तो चले जाओ। आज हम लोगों को यहाँ से रोका जा रहा है और विस्थापन किया जा रहा है, क्या ये सही है? मैं इसके लिए दर्शकों से अपील करता हूँ कि हमारे जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी अभय वर्मा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 94-25-17-78-77 पर फोन कर सहयोग करें। मैं कैलाश सिंह मरावी, इंडिया अनहट के लिए।